नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन कहीं तेज कहीं हल्की बारिश का दौर शुरू। लंबे अंतराल के बाद कहीं तेज कहीं हल्की बारिश का दौर शुरू। नदी नाले उफान पर। रायसेन जिले में 24 घंटे में 18.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। गैरतगंज गादरवारा मार्ग बंद हो गया है। 50 से अधिक गांवों का सड़क संपर्क टूट चुका है। लंबे अंतराल के बाद जिले में रात में कहीं तेज तो कहीं पर हल्की बारिश का दौर शुरू हो गया है। बेगमगंज और सिलवानी क्षेत्र के नदी नाले उफान पर आने से 50 से अधिक गांव का संपर्क टूट गया है। गैरतगंज गादरवारा स्टेट हाईवे 44 पर स्थित टिंडोनी नदी उफान पर आ गई है, जिससे सिलवानी से उदयपुर के बीच सड़क मार्ग बंद हो गया है। वहीं बेगमगंज में बैरखेड़ी के पास बीना नदी उफान पर है। पुल पर पानी होने से हैदरगढ़ विदिशा मार्ग बंद हो गया है। शुक्रवार को मौसम विभाग द्वारा रायसेन जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। जिले की औसत बारिश का आंकड़ा 63.5 मिलीमीटर पर पहुंच गया है, जो पिछले साल से 40 मिलीमीटर अधिक है। जिले में सिमरी नागझरी 4 सहित 13 डैम और तालाब 100% भर चुके हैं। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट।